ये जो रास्ता है भरमौर के मेन बाजार में होते हुए जाता है पकड़ वाला। तो हर हर महादेव करते हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बरमाणी पे जाके आपसे पूरा व्यू शेयर करेंगे। भाई देखो श्रद्धालुओं की शक्ति और हिम्मत की, देखो लोग कहां कहां से आ रहे हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यात्रा है आपके सामने। सो एवरीवन, ये है बरमाणी माता का रास्ता और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। आपको सामने जूम करके दिखाई हो, धुंध चढ़ रही है पूरी। 1:30 बजे का टाइम है भाई, मुंह के आगे मत लगा मेरे। 1:30 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बरमाणी माता। भाई हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम जो है सुहाना हो चला है। तो भाई लोगों के मैंने व्यूज़ देखे तो सही में आपको बताऊं, लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे बारिश काफ़ी है और स्लिप काफ़ी है। तो जो नंगे पांव चलने वाले यात्री हैं, यानी कि आपका भाई भी जिनमें से, स्लिप काफ़ी बज रहा है। तो हम तो महादेव की आराधना करके जाएंगे भाइयों, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो बने रहिए अपने भाई के साथ इस ब्लॉग में। देखिए ये है भरमौर के खूबसूरत पहाड़, ऊपर देखिए भाई पेड़ पे व्यू मार अपना भरमाणी माता का वे पे, जो पेड़ का ये व्यू है आपके सामने कितनी खूबसूरती है। ऐसे करते भाई लोग आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है भरमाणी माता का जो ये रास्ता है। हम लोग बाइक पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो हडसर तक जो अपनी बाइक ट्रैवल रहेगी उसके बाद जो है अपना पैदल यात्रा चलेगी। बाकी जैसे जैसे होगा आपका भाई आपके साथ शेयर करेगा। बने रहिए अपने भाई के साथ लाइक अ मैक प्रो ब्रो, ऊपर मार वो जरूर। भाई ये सुंदरता तो दूर दूर तक है भरमाणी माता के पास। हमने जाने से पहले ही देखो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो रास्ते पे ही जो खूबसूरती आ जाए तो माँ के दर्शन कितने अद्भुत होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो इंसान की कल्पना से एक परे है, दूर है। तो भाई आपका भाई पूरा शेयर करेगा वीडियो, वायरल कीजिए अपने भाई की वीडियो और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेडी भाई लोग आप देख सकते हो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है भरमाणी माता के रास्ते पे और काफ़ी खड़े घने मोड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मोड़ है। पर फिर भी देखो दिल में श्रद्धा हो आपके भाई की बात तो इंसान कहाँ नहीं पहुँच सकता। भाई एक ही गाड़ी का रास्ता है फिर भी लोग ट्रैवल करते हैं, गाड़ी आती है सुमो बलेरो वगैरह लोग लेके आते हैं यहाँ पे। और रास्ता देख सकते हो आप कितना छोटा रास्ता है, कितने कम रास्ते पे बंदे मैनेज करते हैं। और फाइनली आपका भाई पहुँचने वाला है यहाँ पे भरमाणी माता के व्यू में। तो जैसे ही पहुँचूँगा और आपको पूरा सब कुछ दिखाऊँगा व्यू, बस बने रहना अपने 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 भाई के ब्लॉग पे। आप बहुत ही खतरनाक पेंचर जोन है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। तो आपके सामने पूरा दिखा दूँ नीचे का फिर बहुत ज़्यादा बहुत ही खतरनाक है। आपको भाई गाड़ी आ रही है तो नीचे का व्यू देखो आप भाई बहुत ही खतरनाक है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भरमाणी माता। तो अब यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, यहाँ स्टॉल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, लंगर सेवा जो भी है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा।
बने रहिए अपने ब्लॉग में भाई। तो आगे की यहाँ पे शेयर पूरी करूँगा वीडियो आपके साथ। ये भाई यहाँ का लंगर स्थल। भाई साहब कितना टाइम हो गया लंगर लगाते ये यहाँ पे जी? यहाँ पे कितने टाइम हो गया टेंट वगैरह लंगर वगैरह लगाते कितना टाइम? 2008 का। अच्छा अबे फिलहाल कितना टाइम हुई है इतने लगाए थे? अबे कितने दिन हुई है? 2 तारीख से लगा है जी, 25 तारीख तक रहे। 2 तारीख से लगा 25 तारीख तक। सारे श्रद्धालुओं वास्ते है ना लंगर सेवा जो है भाई, जो जैसा आपको दिखाया रास्ते पे जो था सारा आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे लंगर देखे, लंगर सेवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए भाई ब्रह्माणी माता पे लंगर सेवा जो है शिव भक्तों के लिए, जो कि दूर दूर से यात्री आ रहे हैं सबके लिए लंगर सेवा का आयोजन किया है इधर भाई। बाकी आगे चल के माता रानी के दर्शन कराते हैं आपको। चल आ जाओ भाई, आओ आ जाओ महाराज, आ जाओ गर्मे गर्म रोटी दाल चावल कड़ी, आ जाओ तंदूरी रोटी है महाराज, आ जाओ भाई। ये देखो नन्हे नन्हे महादेव देते हैं भाई, छोटे महादेव, हर हर महादेव भाई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो जो सामने का व्यू है पैदल यात्रियों के लिए स्पेशल है, और यहाँ टेंट वगैरह लगे हैं, जो कोई यात्री रात को रुकता है यहाँ पे उनके लिए स्पेशल टेंट वगैरह, तौलिया वगैरह हर एक चीज़ की सुविधा जो है यहाँ पे की गई है। तो भाइयों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्माणी माता। तो यहाँ देखो सारे यात्री जो है पहले यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, इसके बाद जो है आगे की यात्रा शुरू होती है। माना जाता है कि यहाँ पे जो बंदा स्नान करता है उसकी श्रद्धा पूर्वक जो पूरी यात्रा होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले सारे यात्री पर्यटक यहाँ पे यात्रा पूरी करते हैं और स्नान करते हैं, उसके बाद कोई कोई जो होता है पूरी यात्रा के बाद भी यहाँ पे करता है। आप लोग देख सकते हो सारे यहाँ स्नान वगैरह होता है, इसके बाद ही आगे की यात्रा होती है भाइयों। तो अभी आपको माता ब्रह्मचारिणी के मंदिर पे मत्था टिका देते हैं, ब्रह्माणी माता के नाम से जो है, तो पूरा नाम है माता ब्रह्मचारिणी। तो अभी अंदर जाके आपको मंदिर में मत्था टेक के बताएंगे भाई। मिले अपने ब्रह्माणी माता जिनका पूरा नाम है ब्रह्मचारिणी माता। तो भाई जो यात्रा के दौरान शुरू होती है आपको बोलोगे? ये मंदिर काफ़ी देर से है, कम से कम 500-700 साल पुराना। ये पहले भोलेनाथ के आने से पहले इधर आना पड़ता है ब्रह्माणी माता, फिर उसके बाद दर्शन करने पड़ते हैं भोलेनाथ के। जय बोले, जय बोले, हर हर महादेव। तो भाई यहाँ के यहाँ से जब तक बंदा स्नान ना करे तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है, यहाँ श्रद्धालुओं का मानना है। भाई देखिए यहाँ पे बहुत ही लंबी प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई है, सिर्फ श्रद्धापूर्वक लोग जो है प्रसाद लेने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है लगी आपके सामने। सो एवरीवन देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी जो भीड़ लगी है, और लाइन देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों के बाद माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन जो हो रहे हैं लोग कर पा रहे हैं। लोग दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेके, श्रद्धा भावना लेके यहाँ माता रानी के यहाँ पे मत्था टेकने आ रहे हैं। तो देख सकते हो भाइयों यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। धूप अर्पित करते हैं माता को, और यहाँ पे प्रसाद
तो जयकार चाचे दरबार की माँ के प्यार की अनबंद अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ आप भाई आप लोग देख सकते हो श्रद्धालु जो है माथा टेक के माता रानी के दरबार पे बाहर धीरे धीरे लाइन से जा रहे हैं। पीछे भी काफी लंबी लाइन है पीछे लाइन भी लंबी है जय माता दी। ये रहा भाइयों माता रानी के दरबार पे माथा टेक के आ गए अभी आए एक और मंदिर भाई लोग। ये रहा बरमाड़ी माता का व्यू और हम लोग माथा वगैरह टेक चुके हैं। आगे की यात्रा हम पूरी करेंगे अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम हडसर की तरफ। तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर के बाद यहाँ का नज़ारा दिखा के अब निकलने वाले हैं हम हडसर को। तो चलो आगे की यात्रा दिखाते हैं आपको यहाँ से निकल के। भाई देखो श्रद्धालु कैसे नहा के पूरा आनंद उठा रहे हैं यात्रा का। भाई पानी देखो बहुत ही चिल्ड और ठंडा है। आपका भाई तो सीधे वहां जाके मणिमेश पे ढल पे ही नहाएगा और जो है यात्रा वहीं पे पूरी करेगा। अभी मुंह हाथ धो के यहां से निकलूँगा क्योंकि हमने पहुंचना है अभी मणिमहेश। तो अभी 3:00 बज चुके हैं यहाँ का व्यू देख सकते हो। तो भाई निकलते हैं आगे की यात्रा पूरी करते हैं अपनी महादेव की हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों आपका भाई यहाँ से निकल चुका है। मैंने फिलहाल टी शर्ट चेंज कर ली है और हाथ मुंह वगैरह धो के आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कहें जहाँ पे खाएं पिएंगे वहाँ पे भी आपके साथ पूरा व्यू शेयर करूँगा। बने रहिए अपने ब्लॉग में भाई। तो आगे जैसे जैसे पूरी यात्रा करूँगा आपके साथ एक एक लम्हा शेयर करने वाला हूँ भाइयों। तो बने रहिए अपने भाई के लोग में। फाइनली भाइयों हम लोग बाइक निकाल के रेडी हो गए हैं। अब हम हडसर के लिए यात्रा जो है आगे की शुरू कर रहे हैं। तो आगे का ब्लॉग वहीं पे कवर करेंगे। निकलते हैं भाई सफ़र जो है काफ़ी अभी थोड़ा सा लंबा है तो चलते हैं भाइयों। सो एवरीवन ये जो है मेरे को एक नया ट्रैक जो बताया बरमाणी माता से नीचे उतरते वक्त एक पुलिस कर्मचारी थे भाई जिनकी देखो ड्यूटी देखो एक नया रास्ता उन्होंने बताया शॉर्टकट है शायद जो कि नीचे पट्टी कहा उन्होंने वहाँ निकलेगा ये रास्ता। ये 84 मंदिर पे तो नहीं निकलता है पर पट्टी निकलता है। आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ सामने पूरा व्यू दिखाइयो भाई। ये है ट्रैवलिंग यात्रा और आपके सामने मणिमहेश यात्रा शुरू की है अपने आपके भाई ने। तो यहाँ देखो काफ़ी सारे जो है श्रद्धालु बाइकें लेके भी खड़े हुए हैं ये आप देख सकते हो भाइयों। यहाँ पे बहुत ही यात्री तनाव कर रहे हैं देखिए मणिमहेश यात्री यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत ही लगन थे महादेव के प्रति जो प्यार है वो जताने के लिए आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों आपका भाई देखो कितना सुंदर नज़ारा लेके आया है हडसर को जो ये ट्रैक जाता है और ये जो बरमाणी माता से नीचे एक रास्ता है जो मेरे को पुलिस कर्मचारी ने बताया जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया। और यहाँ का व्यू आप चेक कर सकते हो भाई इतना सुंदर नज़ारा है कि हर कोई बंदा यहाँ दिल खोल के दिल खुश होकर यहाँ से यात्रा करना अपनी जो है शिव जी के प्रति एक लगन लेके मणिमहेश को यात्रा स्टार्ट करेगा भाई। देखो आपके सामने व्यू है बाहर का पहाड़ों का एक एक जो है दूर दूर से झलक रही है जो दिख रहा है व्यू आपके सामने आपका भाई एक एक जो है व्यू आपके सामने लेके आया है। तो प्रेम से कहिए कमेंट पे हर हर महादेव आपका भाई पूरी यात्रा आपसे शेयर करेगा भाई। आपके भाई का फ़ोन नहीं बंद होना चाहिए महादेव
साथ दे, आपके भाई की पूरी यात्रा सफल हो, और कम से कम एटलीस्ट ढल तक जो मेरा फ़ोन है स्टैंड रहे बैटरी के साथ, या कहीं ना कहीं चार्ज करने वाला मिल जाए कोई भाईचारा। तो देखिए यात्री यहाँ पे सेल्फीज वगैरह भी ले रहे हैं, पूरा मूड चिल, एंजॉय गाइस एवरीवन। तो देख सकते हो आप नज़ारा।